हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 4, जो कि क्लास 4 में इंग्लिश का मेन बुक है और उस बुक से मैं लेसन नंबर 1 को पढ़ाने वाला हूँ और उस लेसन का नाम है द रेनबो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, जिसे हम बरसात के मौसम में अक्सर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से पोयम को, जिसको कंपोज किया गया है क्रिस्टिना रोसेटी के द्वारा। तो शुरू करते हैं द रेनबो पोयम को। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, but clouds that sail across the sky are prettier far than this. Children, यह poem द रेनबो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेनबो कब दिखता है, बारिश के मौसम में, जब बारिश भी होती है और हल्की धूप भी रहती है, तो उस दौरान कभी कभी हम रेनबो देख सकते हैं। तो रेनबो मतलब इंद्रधनुष होता है और क्रिस्टिना रोसेटी के शब्दों में इस पोयम में ये कहा गया है कि नाव नदियों में तैरते हैं, जहाज समुद्र में तैरते हैं, लेकिन बादल जो आसमान से होकर गुजरता है, आसमान से होकर जाता है, वो इन दोनों के अपेक्षा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यानी कि नाव जब नदी में तैरते हैं या जहाज समुद्र में तैरते हैं, तो उन दोनों से भी ज़्यादा खूबसूरत बादल लगते हैं जब वो आसमान में चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अस्टंजा है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बोट दैट ब्रिजेस हैवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज। तो नदियों के ऊपर पुल होते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत दिखते हैं, वैसे ही सुंदर होते हैं, जैसे कि आप जब खुश होते हैं, आप जब प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और देखने में प्रीटी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो जस्ट वैसे ही पुल भी वैसे ही लगते हैं। लेकिन धनुष, बट द बो डैट ब्रिजेस हैवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज, लेकिन वो धनुष, यानी कि यहाँ पे इंद्रधनुष की बात हो रही है, तो वो धनुष जो कि एक पुल की भांति दिखता है, जो स्वर्ग जाने वाला रास्ते के समान दिखता है, और वो पेड़ के शिखर के ओट में छुपा हुआ है ना, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि पेड़ की ओट में छुपा हुआ वो इंद्रधनुष, जो कि बिल्कुल प्रतीत होता है कि स्वर्ग में जाने वाला पुल है। And builds a road from earth to sky is prettier far than this. और ऐसा मानो जैसे लगता है कि वह एक रोड है और वो रोड बना हुआ है धरती से आसमान के बीच में, धरती से आसमान तक जाने का एक रास्ता, वो सबसे खूबसूरत लगता है इन सभी से। यानी कि चाहे वो नदियों में तैरते हुए नाव हो या समुद्र में तैरते हुए जहाज हो या आसमान में तैरते हुए बादल हों या फिर नदियों के ऊपर बने हुए पुल हों, इन सबसे खूबसूरत अगर लगता है तो वो इंद्रधनुष लगता है, जो कि देखने में ऐसा फील होता है कि वो धरती से आसमान तक जाने का एक मात्र मार्ग है। तो ये था आपका पोयम जो कि क्रिस्टिना रोसेटी ने कंपोज किया था। तो आप सभी बताएंगे कि आपको यह पोयम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को। और साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भैया बहनों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय,
जय हिंद, जय भारत।